है गाइज, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक हो गए। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की शुरुआत हो रही है 8 बजे से और बाहर बहुत ज़्यादा धूप निकल चुकी है और मैं मिलाती हूँ अपनी मम्मा से अभी। हेलो मम्मी। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मम्मी मेरे लिए बना रही है परांठा। ये हरियाणा से आए हैं शेफ, ये बना रहे हैं सब्जी। तो ठीक है, बाय बाय। तो अभी मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट और उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। बस मैं नहीं, मैं जा रही हूँ मीरपुर, तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद। ये है हरियाणा का सेप, ये बना रहे चूल्हे पे रोटी। तो जरा चूल्हे को इग्नोर करें। और सेप जी, कैसा लग रहा है आपको हिमाचल में रोटी बना के? कैसा लगा बताओ प्लीज। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अभी मैं जा रही हूँ बस लेने के लिए और कल मैं घास लेके आई थी तो मेरी पूरी बाजू में कट कट लग गई और मेरे को वहाँ पर बहुत ज़्यादा जलन है। वैसे मेरे को बाजू में इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लगी है जलन। लड़की है ये, मेरे साथ हमेशा धोखा करती है, मेरे को अकेला छोड़ के जाती है। और हाँ गाइस, और ये मैं हॉस्पिटल पहुँच जाती हूँ। तो गाइस अभी जा रही है मेरे को छोड़ के, तो चलो इंस्टीट्यूट जाते हैं। अभी पहुँच गया, अड्डे में धक्का दे के जा रही हूँ। आप भी चलो हमारे साथ धक्का मार। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। मैं इंस्टीट्यूट जाके आ गई और मेरी फ्रेंड थी वो भी चले गई है अपने मामा के घर, क्योंकि उसको हॉस्पिटल जाना है। और अभी मैं आई हूँ अपने फ्रेंड के पास, मैंने को भरवाने थे फॉर्म, तो भरवाते हैं, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। गाइज मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया क्योंकि मेरे सर पे हो रही थी दर्द बहुत ज़्यादा ही। और अभी मैं जा रही हूँ भैंस को बाहर बांधने के लिए, तो अभी जा रही हूँ मैं गुड। तो भैंस को बांधते हैं बाहर और उसको घास वगैरह डालते हैं। तो चलो अभी मेरे साथ गुड में। तो जैसे मैं गुड में पहुँची तो भैंस को बाहर बांध दिया था किसी ने और मेरी भैंस ऐसी पड़ी थी जैसे कि इसका पता नहीं क्या हुआ है। तो मैं दिखाती हूँ इसको। तो ये है मेरी भैंस। क्या हुआ है तुझे हैं? तो ये बहुत शरीफ है, इमारती भी नहीं है। मतलब जब जब मैं वो लगी है बहुत सारी मक्खियाँ, तो इसको लगाते हैं अभी दवाई। तो मैंने भैंस को लगा दी दवाई और यहाँ पे लगी है एक सब्जी। अगर इसका आपको पता है इसको क्या बोलते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताना मुझे। और हम इसको बोलते हैं लॉन्ग करो। हाँ, लॉन्ग करो। और ये भी लगी हुई है फ्रांस बीन, पता नहीं क्या है बट लगी हुई है कुछ नहीं। हाँ शायद वो ही है, फ्रांस बीन लगी हुई है, अपनी खुद की है ये, घर की ऑर्गेनिक। और भी अभी बताती हूँ आपको। तो ये लगी अभी लौकी, एक इधर है एक उधर भी है, और इधर मकड़ी का जाला भी है साथ में, और इधर बैंगन भी है पर बैंगन अभी लगी नहीं है। तो अभी हमारे यही सब्जियां लगी हुई हैं और अभी हम लगा रहे बाकी सब्जी। अब भैंस को करते हैं बाय बाय। और आज मैं हमीरपुर इंस्टीट्यूट वगैरह गई थी तो वहाँ पे हाँ मैं फॉर्म भरवाने भी गई थी, तो वहाँ पे मतलब बैंक वाला कोई फॉर्म निकला हुआ था, तो उसमें जो हम जनरल वाले हैं उसके लिए फ़ीस इतनी ज़्यादा है, 600 रुपये की समथिंग कुछ इतनी फ़ीस थी। तो मैं भरवाने लगी, मैं कह रहने दो।
नहीं भरवाया भैया को, कर दी मैंने सीधे ही मना, भाई रहने दो, इतना पैसा नहीं हम वेस्ट करेंगे अपना। और हमारे तो वैसे भी ऐसे ही है कि हम जनरल वाले जो भी है, जब भी कोई फॉर्म भरते तो हमारे लिए इतने ही फीस वगैरह होती है, तो हम उसी की वजह से भरते नहीं है। जो बंदे रिच फैमिली से होते हैं वो भर भी देते हैं, तो क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने बनवाया अपना आभा कार्ड, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो आज हमीरपुर में यही करा मैंने, और रोड की इतनी गंदी हालत है, और फिर से रोडों का काम लगाया हुआ है, तो रोड पूरी तरह से ना मतलब डैमेज। तो मतलब ऐसा फील होता है कि हम मतलब जा रहे थे हमीरपुर को, तो ऐसा फील हो रहा था कि भाई हम ना खड्डों में जा रहे हैं, खड्डों में चलाई हुई है बस, तो इतनी गंदी हालत हो चुकी थी। तो ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने, गोड से आ चुकी हूँ और पीछे बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम हो रखा हुआ, और ये फ्लावर कितना अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा है तो बताना ज़रूर। और मैं अभी कर रही हूँ वॉक, क्योंकि वॉक करना भी ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। और मैं सच्ची बात बताऊँ तो, क्योंकि मैं थोड़ी सी हेल्दी हो चुकी हूँ इसकी वजह से मैं वॉक कर रही हूँ, क्योंकि देखो अगर मतलब मेरे को पता है ना, अगर मैं हेल्दी हो चुकी तो मेरे को कितनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। मैं सुबह देखो बस में गई थी, तो मेरे को पाँव खड़े होकर गई थी, तो मेरे को पाँव में बहुत ज़्यादा पेन निकल गई थी, और जिसकी वजह से मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो एक तो ये चीज़ भी है, ऊपर से मेरे को सर में दर्द, मतलब बहुत, अगर जो बंदा मोटा हो जाता है उसको फैट बढ़ जाता है ना, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। अगर बंदे की बॉडी फिट हो, अगर वो थोड़ा पतला हो, तो बंदा बड़ा कुछ कर सकता है। क्योंकि मेरे को पता है, अगर मैं पहले पतली थी 2021-22 में, मतलब उससे पहले भी मैं पतली थी, 2022 से मैं मोटी हो गई थी। तो जब मैं पतली थी तो मैं मतलब अवादेवी से हमीरपुर के लिए मैं बस में खड़ी होकर चले जाती थी, तब मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती थी। अवादेवी से घर तक मैं पैदल आ जाती थी, तब भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इस टाइम जब मेरा वेट बढ़ गया और मैं मोटी हो चुकी हूँ, तो बहुत दिक्कतें हो रही है। और बोलते हैं ना, जितना मतलब बोलते हैं मोटा होना तो मतलब आसान है ना, पर पतला होना इतना ही मुश्किल है जितना जो मोटा होना। तो ये सच्ची बात है, तो इसके लिए मैं कर रही हूँ वॉक। तो करते हैं वॉक, और मैं बाहर का व्यू भी आपको दिखाती हूँ। मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है, और थोड़ी सी ठंड ठंड भी है, और थोड़ा सा धूप भी है। और ये जो हमारा खेत है, जो इतना बड़ा खेत है, तो उसमें हमने पूरी मछली उगाई हुई थी। तो इसमें पूरे खेत में ना 3 मण छल्ली हुई है, मीन्स की 3 पीपिंग छल्ली के हुए हैं। इसमें जो 15-16 मण छल्ली होती थी ना, तो अभी इसमें कुल 3 मण छल्ली हुई है। और गमले में हमने उगाया हुआ है हरा धनिया, और इसमें उगाई हमने क्या बोलते इसको, तो ये है मूली, और ये है मनी प्लांट का पौधा, और यही है पुदीना जो सूख गया हमारा। और जो आपको ये साइड में दिख रहा है, इसमें हमने अभी उगाई है सब्जियां। अम्मा जी ने पता नहीं क्या उगाया है, तो मैं बताऊंगी क्या उगाया अम्मा ने। तो चलो तब तक के लिए मैं कर लेती हूँ वॉक। क्या बात है, मैं जा रही हूँ अभी बोझ झलाने के लिए, और जिसकी मेरे को दिहाड़ी नहीं मिलेगी, तो अब हम बोझ झलद के लाएंगे, फिर आपको अपना बोझा भी दिखाएंगे कि मैंने अपना बोझा लाया है। तो ठीक है, आप बने रहना मेरे ब्लॉग में, तो मेरा पूरा ब्लॉग भी देखना आप लोग। और एक कबाड़िया आगे चला हुआ है जो ठुमक ठुमक करके, तो हम इस कबाड़िये से तो उठाएंगे नहीं, ये खुद ही लकड़ी की तरह है, तो ये बोझा उठाएगा तो ये कभी भी ढह सकता है। तो पीछे कोई आ भी रहा है, मेरे पीछे वो कोई दादा की अंकल आ गया था, तो मेरे को भागना पड़ा। तो आपको पीछे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो रहने दो, गोली मारो। तो अभी ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। गाइस, मेरी मम्मी को मेरी आवाज सुनाई दे गई, तो मेरी मम्मी बोलती है जो, तो अब हम जा रहे हैं उत्खा मम्मी के पास। तो गाइस आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में, कहीं मत जाइएगा।
तो गाइस मेरी मम्मी देखो कितनी खुश हो गई है कि मैं दांत लाने के लिए आ गई। स्माइल तो देखो यार, देखो देखो ताई ये डाल रही है ग्लव्स, दिखा रही है अपने। तो ताई हेलो कर दो। हेलो, कैसे हो आप? ठीक ठाक। ठीक है तो ठीक रहनी चाहिए। गाइस मैंने अपना बोझा उठा लिया है, तो आप ऐसा मत बोलना कि मैं बोझा उठा के नहीं लाई हूँ। तो मैंने अपना बोझा उठा लिया है और आपको मैं अपना क्षेत्र भी दसती हूँ। अब चलिए है ताई और मम्मी, और एक कबाड़िया चला होगा बीच में, और ये है हमारा क्षेत्र जो कि अभी साफ करने के लिए है। और यहाँ पे बहुत सारा जंगल ही जंगल है, तो यहाँ पे मृग भी आ सकता है किसी भी टाइम किसी भी वक्त। तो सतर्क रहें और चुस्त रहें। आई डोंट नो चुस्त क्या होता है। हमने अपना घास फेंक दिया है, अभी हम जा रहे हैं खाना बनाने की प्रवृत्ति पे। तो चलो खाना बनाते हैं और बताते हैं आपको भी क्या बना रही हूँ मैं और क्या नहीं बना रही हूँ। तो एक बार फिर से मुलाकात होती है मेरी भैंस के साथ, तो हाय कर दो। तो गाइस मैं आ गई हूँ घर में, तो अभी मैं जलाने लगी हूँ आग। और ये आग जो मेरे से जलती नहीं है, पर मैं कोशिश करती हूँ क्योंकि मैंने कल भी कोशिश की थी तो मेरी आग जल गई थी। तो कोशिश करने वाले से कभी वैसे हार नहीं होती है। तो मेरे चूल्हे को इग्नोर करना और मेरा जो ये काला हो गया बंटू उसको भी आप कल पकड़ के इग्नोर करें। तो अब देखते हैं मैं आग जलाने में सफल होती हूँ कि नहीं होती हूँ। आग जलाने के कार्य में सफल रही तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी है। तो अब इसके ऊपर हम रखते हैं कुकर और दाल रखते हैं इसके ऊपर। तो आज मैं बता देती हूँ आपको खाने में बन रहा है आज दाल चावल और कढ़ी। तो मैं खाना बना के और जो भी मेरे कार्य हैं उनको करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो अब तब के लिए आपको बाय। गाइस अभी मैं फ्री हो चुकी हूँ खाना खिला के भी, और अभी मैं जा रही हूँ रूम को जस्ट। तो प्लीज़ गाइस आप मेरी ब्लॉग को सपोर्ट करो कि आपको मेरा ब्लॉग कैसे लगता है कैसे नहीं लगता है। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं होगा कि मैं किस टाइप के ब्लॉग बनाऊँ किस टाइप के नहीं। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को सपोर्ट दें, आपकी सपोर्ट की मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तब तक के लिए अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।